आज मैं दिखाता हूँ आपको अपनी बैलून्स। तो आज मैं दिखाता हूँ आपको अपनी बैलून्स और प्लेटी, और इसमें गप्पी भी हैं। वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ और कितनी अपडेट देता रहता हूँ कि कितनी बड़ी हो गई हैं। और ये देखें, खाना खा रही हैं ये। ये जो है प्लेटी, प्लेटी के बच्चे भी बड़े हो गए। ये जो है ये मूली फिश के बच्चे हैं, ये जो आपको ग्रे सा नज़र आ रहा है। इसके अलावा गप्पी भी थी इधर, लेकिन गप्पी अभी नज़र नहीं आ रही। और इनमें जो है प्लांट्स लगाए थे मैंने, ये देखें छोटे छोटे प्लांट्स लगाए थे मैंने, और अब इनकी ग्रोथ काफ़ी हो गई है, ये देखें। और उसमें तो पहले कैटफिश में एक स्नेल ही फिर रहा था, यहाँ पे जो है ना प्लांट्स की वजह से अच्छे खासे स्नेल हो गए हैं। लेकिन अच्छी चीज़ है, इसमें कोई भी नीचे वेस्ट मटेरियल होता है तो स्नेल्स उसको जो है ना खा लेते हैं, फिशेस को कोई नुकसान नहीं देते ये। मैं सोच रहा था इसमें श्रिंप ला के भी डाल दूँ, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है अभी कि इसमें, क्योंकि बेबीज़ भी हैं बैलून के, प्लेटीज़ के, कहीं उनको ना नुकसान पहुंचाए। ये मिल गई गप्पी, गप्पी का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा इसमें छोटे बच्चे नज़र नहीं आ रहे, छोटे बच्चे ये हैं तो सही, ये भी खैर बड़े हो गए हैं, छोटे नज़र नहीं आ रहे। खैर जब ये जो पीछे भी प्लांट्स लगे हुए हैं इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, तो ये एक्वेरियम और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके अलावा मैंने जो है ना बैलून्स और मोली फिश साइड पे भी एक और एक्वेरियम में भी रखी हुई है। और ये डकवीड्स हो हैं ऊपर, और ये भी कुछ प्लांट्स हैं जो मैंने रखे हुए हैं। ये अच्छा रोल करते हैं वाटर को प्योरीफाई करने में। ये देखिए ये स्नेल्स, फोकस कर ले कैमरा बस, ये देखें स्नेल्स भी आ गए इसमें काफ़ी सारे। जहाँ जहाँ मैं हाथ कर रहा हूँ वहाँ वहाँ फिशेज आ रही हैं कि इनको खाना मिलेगा वहाँ पे। और पहले से ज़्यादा जो है एक्वेरियम का पानी भी क्लियर है, क्योंकि पहले ज़रा एरिएशन कम थी, अब एरिएशन ज़्यादा हो गई है। मतलब कि मैंने जो है ना ज़रा पंप इसमें इंक्रीज़ किए थे। और ये जो है ना वो देखे, मुझे अभी जो है ना इसमें गप्पी के बेबीज भी नज़र आ गए, वो पीछे फिर रहे हैं। ये फिर रहा है गप्पी का बेबी, बहुत तेज़ है ये। वैसे मुझे पता ही नहीं होता कि जो है ना कितने बेबीज हैं, क्योंकि अपने आप ही प्लांट्स के अंदर छुपे होते हैं, और जब बड़े होते हैं फिर ही पता लगता है कि इसमें बेबीज हैं। अब तो अक्सर सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसमें से जो है ना प्लेटी के बच्चों ने की है, और इतनी किसी ने नहीं की। आपको सबसे ज़्यादा आप ही नज़र प्लेटी हो नज़र आ रही होगी, तो इनके बच्चों ने जो है ना काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। वैसे मैं तो सोच रहा था कि जो है ना जहाँ से मैं फिशेज वगैरह लेता हूँ उनको जो है ना प्लेटीज दे दूँ और उसकी जगह कुछ और लेके आऊँ। तो इसी के साथ जो है मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और आपको किसी और एक्वेरियम दिखाऊंगा और कोई और फिशेस दिखाऊंगा आपको। अभी तक मैंने आपको प्रॉपरली गोल्डन कैट फिश नहीं दिखाई,
क्योंकि उसमें एक तो वो लाइट के बगैर खाती नहीं है खाना, जब लाइट ऑफ होती है तभी खाती हैं। तो मैं आपको किसी दिन जो है ना अपनी गोल्डन कैटफिश दिखाऊंगा।